की बड़ी खबर, नागरिकता कानून के विरोध में जामिया से राजघाट तक होने वाला मार्च, जिसे पुलिस ने इजाजत नहीं दी, इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता मनदीप सिंह रंधावा ने दी। उन्होंने कहा कि इस मार्च को पुलिस ने इजाजत नहीं दी है। आपको बता दें, नागरिकता कानून के विरोध में आज जामिया से राजघाट तक मार्च निकलने वाला है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, तो अगर ये मार्च निकलता है तो पुलिस फिर किस तरीके से इसको रोकने की कोशिश करेगी? देखिए, दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी तक उनको कोई परमिशन नहीं दी गई है और किसी तरह से भी लोगों को जो वहां पर मैसेज भेजा जा रहा है कि इस तरह का कोई जाम या इस तरह की स्थिति अगर उत्पन्न हो जाती है तो उसको लेकर दिल्ली पुलिस एहतियातन इस तरह का कोई प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं दे रही है। और साथ ही, क्योंकि जामिया से अगर राजघाट तक का ये रूट तय करते हैं प्रदर्शनकारी, तो ये समझा जाएगा कि पूरा जो दिल्ली, नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, साउथ ईस्ट दिल्ली का, ये पूरी तरह से ट्रैफिक रूट जो है वो बाधित हो जाएगी और काफी बड़ी समस्या से लोगों को जो है जूझना पड़ेगा। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस तरह की कोई परमिशन नहीं दी गई है, जामिया तक ही वो सीमित रखे ताकि उनका प्रदर्शन वहां पर जो चल रहा है, लेकिन यहां पर इस तरह की कोई परमिशन नहीं है कि वो राजघाट तक प्रोटेस्टर्स आए, क्योंकि इससे भारी समस्या जो है दिल्ली पुलिस को भी उठानी पड़ेगी और काफी अरेंजमेंट होंगे, तो इसी वजह से अभी तक किसी तरह की कोई परमिशन पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। देखना होगा क्या ये मार्च निकलेगा जामिया से राजघाट तक। शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए।